मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वी स्टेम बोर्ड और जो हमने कंप्लीट किया था, आज का जो अपना इंसेक्ट है वो है फेनुग्रीक एंड मस्टर्ड एफिन। फेनुग्रीक एंड मस्टर्ड एफिड, ये अपना आज का इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट का जो स्टडी का डिस्क्रिप्शन प्रोसेस है वो सबसे पहले हम साइंटिफिक नेम के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर बात करते हैं हम उसके सिम्टम्स की, फिर उसके लॉस और इम्पोर्टेंस, लाइफ साइकिल और मैनेजमेंट। तो कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में है वो है इसका साइंटिफिक नेम। इसका साइंटिफिक नेम है लिकेसिस एरिसाइनी, लिकेसिस एरिसाइनी, लिकेसिस एरी साइंटिफिक नेम है। तो लिकेसिस है वो इसका जीनस है और एरिसाइनी वो इसका स्पीसीज। ठीक है, अब करते हैं इसके क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन में फाइलम, ऑर्थोपोडा, फिर से करते हैं क्लास, क्लास होती है इंसेक्ट का, फिर करते हैं ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर होता है वो है हेमिप्टेरा, फिर करते हैं इसकी फैमिली, फैमिली है इसकी एफिडिडी, एफिडीडी, और फिर जीनस लिकेसिस और फिर स्पीसीज, स्पीसीज है एरिसाइनी। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, वापस डिस्कस कर रहा हूं, फाइलम, आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, जो फैमिली है वो है एफिडिडी, इसका जीनस है वो लिकेसिस और इसकी स्पीसीज है एरिसिस। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब इसकी बात करते हैं इसका जो इंफेक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है। तो इन्फेक्टेड जो एरिया है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान, ये इससे इफेक्टेड स्टेट्स हैं। रीजन वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूपी, एमपी, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक एंड राजस्थान, ये इससे इफेक्टेड स्टेट्स। क्लियर, फिर बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स पर डिस्कस करने से पहले मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, इसका डायग्राम शो कर रहा हूँ, देखिए डायग्राम को।
डायग्राम आपने देखा, अब डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स, ये जो इंसेक्ट है ये बेसिकली ग्रीन और स्लेटी कलर का हो, देखा आपने जो ग्रीन कलर का था, इसकी जो विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। बेसिकली इंसेक्ट का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थ्री पार्ट में डिवाइड है, हेड, फिर आ गया थॉरेक्स और फिर आ गया एब्डोमेन। इसका जो एब्डोमेन पार्ट होता है वो 9 सेगमेंट से प्रोड्यूस होता है, ईच सेगमेंट में वेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और जो एब्डोमेन का लास्ट सेगमेंट होता है उससे इसका जो वेस्ट मैटर है, वो फीसेस है, वो हनी सेक्रेट के रूप में क्या करता है, बॉडी से एक्सक्रेट होता है, जो स्वीटली टेस्ट में होता है। और ये इसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी है, रीजन ये जब भी प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट जनरेट करता है, इन्फेक्शन जनरेट करता है, तो अपना जो वेस्ट है वो उस प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देता है, तो उसके वेस्ट के स्प्रे के इफेक्ट से, वेस्ट की स्मेल से जो ब्लैक फंगल है वो प्लांट के ऊपर इफेक्ट जनरेट कर देता है, यानी खुद तो इन्फेक्शन कर रहा है और ब्लैक फंगस का और इन्फेक्शन भी ये जनरेट करवा देता है। तो इसके जो थॉरेक्स पार्ट की बात करते हैं, तो थॉरेक्स पार्ट में 3 पेयर लेग्स क्या होते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। इसके जो फोर लेग्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, और इसके हिंड लेग्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। तो ये लेग्स की बात होगी। फिर बात करते हैं इसका जो लेंथ है इंसेक्ट की, वो लेंथ होती है, लेंथ है 1 to 10 सेंटीमीटर। कलर है वो है ग्रीन और ग्रे। फिर बॉडी पार्ट होता है वो हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में कन्वर्ट होता है, डिवाइड होता है। एब्डोमेन पार्ट होता है वो 9 सेगमेंट से प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये थी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको शो ऑफ कर दी। फिर बात करते हैं इसका लॉस और इंपॉर्टेंस। बेसिकली जो इंसेक्ट है वो नवंबर के लास्ट वीक में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में क्रॉप्स पर शो ऑफ होता है। फरवरी मंथ में इसका सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो शो ऑफ होती है। जो इंसेक्ट होता है उसका जो हार्मफुल इफेक्ट जनरेट होता है वो इसकी एडल्ट और इसकी जो बेबी स्टेज होती है बोथ से इक्वल लेवल पर क्या करता है, ये इफेक्ट जनरेट करता है। फिर बात करते हैं इंसेक्ट का इफेक्ट, तो ये रूट को छोड़कर कंप्लीट प्लांट पर इफेक्ट डालता है। बेसिकली ये स्टेम के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालता है, स्टेम के साथ साथ ये जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, जो इसकी बीन्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसके इफेक्ट के थ्रू आउट बीन्स प्रोडक्शन कम होता है और साथ साथ में क्रॉप में ऑयल क्वान्टिटी भी क्या होती है, लो होती है। इफेक्ट ये होता है कि जैसे जैसे ये प्लांट के ऊपर डालेगा वैसे वैसे प्लांट का जो कलर है वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में उसमें जो ड्राइनेस जनरेट हो जाती है। और इसका सेक्रेशन जो स्टार्टिंग में बात की थी कि इसका जो वेस्ट फीसेस है उस वो हनी सेक्रेट टाइप का है, तो उसके इफेक्ट से ब्लैक फंगस का इफेक्ट, ब्लैक फंगस का इफेक्ट प्लांट्स के ऊपर बहुत हाईली जनरेट हो जाता है, जिससे प्लांट का जो स्टेम है वो एकदम रूट होता है। तो ये था इसका बेसिकली इफेक्ट। फिर बात करते हैं लाइफ साइकिल। इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है ग्राउंड
लेवल और एक होता है माउंटेन लेवल। जो ग्राउंड लेवल की स्पीसीज होती है उनके लाइफ साइकिल के अंदर टू स्टेज होती है, एक तो होती है एडल्ट और दूसरी होती है उसमें निम्फ। माउंटेन लेवल में होती है उसमें होती है एग, एग के बाद निम्फ, निम्फ में एडल्ट। ये थ्री फेज होती है, यानी इसमें कितनी स्टेज है टू और इसमें कितनी स्टेज होती है थ्री स्टेज होती है। जो ग्राउंड लेवल में होता है यहाँ पर जो इंसेक्ट जनरेट होता है एफिड है वो नवंबर दिसंबर के मंथ में जो मस्टर्ड क्रॉप होती है उसकी ओवर स्टॉक होता है और इसकी क्वांटिटी के अंदर फीमेल क्वांटिटी हाई होती है और फीमेल फास्टली क्या करती है एग सेक्रेशन स्टार्ट करती है। फीमेल इसमें टू टाइप के एग लेव करती है, फीमेल टू टाइप के एग रिमूव करती है, एक बिफोर फर्टिलाइजेशन और एक होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये जो बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर जनरेशन स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं पार्थोजेनेसिस। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पार्थोजेनेसिस की प्रोसेस इस एफिड में शुरू होती है। मींस एग से जैसे निम्फ सेक्रेट हुए, निम्फ जैसे एडल्ट में कन्वर्ट हुए उसके बाद ये फीमेल पार्टनर का कोई वेट नहीं करते। मींस अगर पॉपुलेशन होगा तो भी एग सेक्रेट होंगे और अगर पॉपुलेशन नहीं हुआ तो भी एग सेक्रेट होंगे। तो इसका मीन्स इसकी जो जनरेशन ग्रोथिंग रेट है वो बहुत हाई है। मीन्स एग सेक्रेशन के 3 to 7 डेज के इनसाइड में ही जो निम्फ है वो मैच्योर कंडीशन में मॉडिफाई होता है, मैच्योर कंडीशन में मॉडिफाई होता है और वो एग सेक्रेशन स्टार्ट कर देता है। तो एफिड टू टाइप्स के जो है बेबी प्रोड्यूस करता है, वन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेकेंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। बेबी 3 to 7 डेज में ही क्या होता है एडल्ट में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होने के बाद में ये वापस जनरेशन स्टार्ट कर देता है। बट फरवरी मंथ में इसमें विंग्स जनरेट होते हैं और विंग्स जनरेट होते ही ये सेपरेशन करना स्टार्ट करता है, ये पूरे एरिया के अंदर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसका इफेक्ट ये होता है ये ग्राउंड लेवल पर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग एरिया के अंदर क्या करता है अपना इफेक्ट जनरेट करता है। तो ये था इसका लाइफ साइकिल जो हमने देखा, लाइफ साइकिल में हमने जगह देखा इसकी टू स्टेज है, एक ग्राउंड लेवल पर एक माउंटेन लेवल पर। ग्राउंड लेवल की जो स्पीसीज है उसके अंदर क्या देखा आपने कि लाइफ साइकिल में टू स्टेप होते हैं, एक होता है उसमें एडल्ट एक होता है उसमें निम्फ। और जो माउंटेन लेवल पर होता है उसमें 3 स्टेप होता है, एक होता है एडल्ट फिर है निम्फ और फिर एग। मीन्स एग के थ्रू आउट निम्फ, निम्फ के थ्रू आउट एडल्ट, एडल्ट के थ्रू आउट एग, एग के थ्रू आउट निम्फ, निम्फ के थ्रू आउट। तो ये सर्कुलेशन माउंटेन लेवल पर कंटिन्यू होता है। फीमेल होती है टू टाइप के एग दे दिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। उसका इफेक्ट ये होना है उसमें जो जनरेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई लेवल है, ठीक है। तो ये था अपना इसका लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रोसेस को उसको थ्री पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट होता है क्रॉप मैनेजमेंट, सेकंड है बायोलॉजिकल और थर्ड है केमिकल। क्रॉप मैनेजमेंट, तो क्रॉप मैनेजमेंट में कि इसकी जो क्रॉपिंग है वो टाइम से पहले बिफोर कर देनी चाहिए। रीजन क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग की थी कि नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में ये क्या करता है मस्टर्ड के ऊपर शॉक होता है, तो उस टाइम पर जो मस्टर्ड का प्लांट होता है वो सॉफ्ट होता है। अगर उस टाइम पे प्लांट थोड़ा डेवलप हो जाए तो प्लांट में हार्डनेस आएगी,
और हार्डनेस आने पर इसका इफेक्ट जनरेट नहीं होता। तो ड्यूरेशन जो होती है, क्रॉपिंग ड्यूरेशन होती है, उसको क्या करना है, स्टार्टिंग उसका सीडिंग प्रोसेस है वो स्टार्टिंग कब करनी चाहिए क्रॉपिंग, तो जो क्रॉपिंग है वो ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन से बिफोर स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो रिसेंट वेरियंट्स है इसके उनको यूज करना चाहिए, कैसे, जैसे AGH 1 टाइप 101 टाइप 101, ये जो क्रॉप्स हैं ये इसके एफिड के रिसेंट है, जो उसका इफेक्ट इस क्रॉप्स पर नहीं है, तो इनको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में बात करते हैं पैरासाइट इंसेक्ट्स की या बर्ड्स की। तो यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे लेडी बर्ड बीटल है, एफिड लॉयन है, लेडी बर्ड बीटल एफिड लॉयन, ये वो इंसेक्ट है जो एफिड को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप डायग्राम देखिए, फर्स्ट डायग्राम जो आपको शो हो रहा है वो है लेडी बर्ड बीटल और सेकंड डायग्राम है वो है एफिड लॉयन का। डायग्राम देखिए, डायग्राम देखा आपने, तो ये वो इंसेक्ट्स हैं जो एफिड को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इनको क्या करना है, डेवलप करवाना चाहिए जिससे क्रॉप को इजीली क्या कर सके, कंट्रोल कर सके इसके इफेक्ट्स। फिर बात करते हैं आगे केमिकल मैनेजमेंट, केमिकल मैनेजमेंट, केमिकल मैनेजमेंट में जो अपना यूनिवर्सल केमिकल है मेलाथियन और फिनोलेफ्थ्रास, और फिनोलेफ्थ्रास 5% मेलाथियन ले लो या फिनोलेफ्थ्रास, बोथ में से कोई भी वन 5% देना है। 20 से 25 kg पर हेक्टेयर में इसका क्या करना है, स्प्रेड करना है इसको इसके ऊपर डायरेक्टली क्रॉप पर। और अगर अपने पास वाटर अवेलेबिलिटी है तो वहां पर क्या करना है, मिथाइल डिमेटॉन, मिथाइल डिमेटॉन 25 pc को 1 liter पर हेक्टेयर में क्या करना है, इसका सॉल्यूशन तैयार करके इसको स्प्रे करना है। अगर वाटर अवेलेबिलिटी है तो हमको क्या करना है, मिथाइल डिमेटॉन 25 pc, और अगर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, जो अपना राजस्थान एरिया है उस एरिया के अंदर इसको मेलाथियन या फिनोलेफ्थ्रास को 5% में 20 से 25 kg पर हेक्टेयर के रेट में इसको स्प्रेड करें, तो इसके थ्रू आउट हम क्या कर सकते हैं, इस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था केमिकल मैनेजमेंट, और इसी के साथ अपना जो फेनुग्रीक एंड मस्टर्ड एफिड का वो कंप्लीट होता है। तो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले डिस्कस किया इसका साइंटिफिक नेम यानी निफेसिस एरिसाइफिल, फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, इसमें ऑर्थोपोडा इसका फाइलम था, इंसेक्टा इसकी क्लास थी, ऑर्थोपोडा इसकी क्लास थी, इंसेक्टा इसका, ऑर्थोपोडा इसका फाइलम था, इंसेक्टा इसकी क्लास थी, हेमिप्टेरा इसका ऑर्डर था, और एफिडिडी इसका फैमिली थी, और निफेसिस इसका जीनस, और एनिसाइफी इसकी स्पीसीज थी। फिर हमने देखा कि इसका इफेक्ट इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में,
तो हमने डिस्कस किया था उसमें यूपी एमपी बिहार पंजाब महाराष्ट्र कर्नाटका राजस्थान गुजरात ये इससे अफेक्टेड स्टेट्स। फिर हमने इसके सिम्टम्स देखे, सिम्टम्स में डायग्राम देखा उसका, तो डायग्राम में उसका कलर देखा, हमने उसकी लेंथ देखी, फिर हमने उसकी ट्रांसपेरेंसी देखी, फिर हमने उसका देखा कि उसका एब्डोमिनल पार्ट होता है वो 9 सेगमेंट से प्रोड्यूस्ड है और इस सेगमेंट में वेस्ट लैंड प्रेजेंट होती है। फिर हमने उसका जो एब्डोमिनल लास्ट पार्ट था उसके थ्रू आउट जो फीसेस निकल रहा था वो हनी सेक्रेशन के रूप में सेक्रेट होता है, इस पर डिस्कस किया था। फिर हमने लॉस और इम्पोर्टेंस देखा कि कैसे प्लांट को इफेक्ट करता है, प्लांट के कौन से पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर लाइफ साइकिल की बात, फिर हमने इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्रॉप बायोलॉजिकल और एनिमल मैनेजमेंट कम्प्लीट किया। तो ये कम्प्लीट था अपना इंसेक्ट। नेक्स्ट इंसेक्ट के साथ बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक आप इसको कम्प्लीट कीजिए। आपको इसके नोट्स पहले एडवांस में सेंड किए जा चुके हैं, तो आपको केवल इसको देखना है और उसको समझना है, मैटर सारा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सीरियसली पढ़ाई कीजिए और सेफ रहिए।